प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी को कॉल लगाते हैं तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर कोई नंबर फ्लैश नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की कॉलर आईडी हिडन रखी जाती है। कभी सोचा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आए तो कैसे पहचानेंगे कि खुद मोदी बोल रहे हैं या कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है? ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से होने का दावा कर लोगों को ठग लिया। ज्यादातर मामलों में ठगों ने अपना नंबर कॉन्टेक्ट एप्स में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या पीएमओ के नाम से सेव किया था। असल में अगर आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आएगा तो ऑफिशियल फोन से आएगा, पीएमओ के नंबर्स आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब बात पीएम मोदी के मोबाइल नंबर की, उनका फोन नंबर क्या है, इसकी जानकारी बस चुनिंदा लोगों को ही है। उन्हें भी जब वह फोन करते हैं तो कॉलर आईडी नहीं दिखती है। ऐसे में कई बार मंत्री भी चौंक जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्या सुनाया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आधी रात को जयशंकर के पास आया था फोन। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां एक किस्सा सुनाया। वाक्या पिछले साल अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट का है। जयशंकर उस वक्त काबुल में बसे भारतीयों को वापस लाने के मिशन में लगे थे। एक दिन आधी रात गुजर जाने के बाद उनका मोबाइल बजा, स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। जयशंकर हैरान हुए, फिर उन्होंने फोन उठाया तो उधर से मोदी की आवाज में गूंजी। मोदी ने जयशंकर से पूछा, जागे हो? जयशंकर ने आगे बताया, मैंने कहा हाँ सर, 12:30 बजा हुआ था और क्या कर रहा होगा? उन्होंने कहा, अच्छा टीवी देख रहे हो, क्या हो रहा है वहां? मोदी इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए उनके मोबाइल नंबर की कॉलर आईडी हिडन यानी छिपी हुई रखी जाती है। कॉलर आईडी डिसेबल करने का जिम्मा मोबाइल ऑपरेटर का होता है। मतलब यह कि अगर अभी आपको पीएम मोदी का फोन आया तो स्क्रीन पर नंबर नहीं दिखेगा। तो आप प्राइवेट नंबर से लेकर रेस्ट्रिक्टेड कॉलर आईडी तक लिखा आ सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे उनके टेक सेवी छवि और सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ाव को भी एक फैक्टर समझा जाता है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी लोगों से कनेक्ट करने के लिए तकनीक का खूब इस्तेमाल करते थे। पीएम बनने के बाद वह अक्सर फोन पर प्रोजेक्ट का अपडेट लेते हैं। यह बात उन्होंने खुद कई मौकों पर बताई है। मन की बात कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी अक्सर ही देश के किसी न किसी कोने की प्रेरक हस्ती को फोन मिलाते हैं। ऊपर वाली तस्वीर तब की है जब पीएम मोदी ने हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया था।